कितना दम है दमन में तेरा, देख लिया और देख ले, आवाज दो, इंकलाब जिंदाबाद, 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 खट्टर सरकार मुर्दाबाद। सभी भाइयों ने राम राम भाई, हम पहुंचे हैं भाई जींद का बस स्टैंड पर। जींद का बस स्टैंड पर देख सको, ये वे रोडवेज के कर्मचारी हैं जो बसा में टिकट काटते हैं, रोडवेज की बस चलावे हैं और बस इन भीतर खड़ी कर दी बस स्टैंड के। जो भाई या खबर देखने लग रहा है, करते चलने से पहले एक बात सोच ले भाई, पूछताछ करके चल, कदे वो ओड़े अड्डे के ऊपर रह जाए, क्योंकि बस बंद कर दी, चक्का जाम है नुए जी। हाँ बिल्कुल, चक्का पूर्ण रूप से जाम है। आज पूरा हरियाणा का 22 डिस्ट्रिक्ट का और दो ICBT चंडीगढ़ और दिल्ली और सेंटर वर्कशॉप और जो हमारी जो बॉडी सेक्शन है वहाँ से पूर्ण रूप से आज चक्का जाम। क्या कारण है आपने चक्का जाम करना पड़ा, मतलब कि आपने लोग परेशान कर दिया, कितने दो में खड़े दिखाइए भाई, सारे बूथा में लोग सवारी खड़े हैं, ये परेशान कर दिए आपने, पहले ऐलान करा था हमने, मारा परेशान करने का कोई मकसद नहीं था। पहले एक बेकायदा घोषित हड़ताल है, हमने सरकार को पहले अपनी चिट्ठी जारी कर रखी थी कि भाई हमारे मांग मुद्दों पर या तो बातचीत कर लो, नहीं तो हमने मजबूरन हड़ताल में जाना पड़ेगा। तीन दौर की बात हमारी सरकार के साथ हो चुकी है, लेकिन सरकार ने बातचीत कर लिया है टेबल के ऊपर बैठ के और थोड़ी बहुत लीलापोती करके और वापस भेज दें, इसका निकलता कुछ नहीं है। लेकिन 24 दिसंबर को करनाल के अंदर हमने मुख्यमंत्री का आवास का घेराव किया था और घेराव के दौरान हमारे को वहाँ पर आश्वासन दिया गया था कि आपको भाई 10 तारीख जनवरी से पहले मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करवा के आपकी बातों का, आपकी जो मांग पत्र है उस पर पूरी चर्चा होगी, उसका समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन उस पर सरकार ने कोई बातचीत नहीं करी, ना कर्मचारियों को वहाँ हमारे साथ जमुर्त नेताओं को वहाँ बातचीत के लिए बुलाया, ना हमारा कोई समाधान किया, इसलिए मजबूरन हमने हड़ताल पाना पड़ा। और हड़ताल करना हमारा कोई शौक नहीं है, जनता को परेशान करना कोई हमारा काम नहीं है, हम तो केवल जनता के सेवक हैं, जनता को बेहतरीन सुविधा दे, ये हमारा उद्देश्य रहता है। और जनता की लड़ाई हम लगातार लड़ते आ रहे हैं, परमिटों के बारे में और जिस तरह से निजीकरण कर रही है, 265 रूट परमिट है वो प्राइवेट सरकार देने ला रही है, अगर 265 रूट परमिट दे देंगे, मैं आपको उदाहरण के तौर बताओ, जिस तरह जींद का बस स्टैंड है, बस स्टैंड में 18 काउंटर है, 16 काउंटर है, 16 काउंटर 265 रूट 22 डिस्ट्रिक्ट के, तो सारे काउंटर अप हो गए, काउंटर भी नहीं बचा, तो जनता को जो सरकार की जो सुविधा थी उससे वंचित रह जाएगी जनता, हम इसका भी पूरा करके विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात है, जो हमारा कर्मचारियों का छुट्टियों का पैसा था, छुट्टी जो थी वो छुट्टी पीछे से तो हमारी 33 दिन के बाद आज तक बढ़ती रही, लेकिन 22 में आगे सरकार ने 22-23 में सरकार ने एक चिट्ठी जारी कर दी कि बाद की छुट्टियाँ हैं 1995 तो आपकी काट ली जाओ। जो कर्मचारी अपनी छुट्टी इकट्ठी कर रहे थे, आगे भाई ये सोच रहे थे हम रिटायरमेंट पर हमें पूछेगा अपना पैसा मिल जाएगा और हमारा को थोड़ी भी मतलब इस चीज़ का लाभ हो जाएगा, वो सरकार ने हमारे से सोच लिया, इसका हम विरोध कर रहे हैं। अगर से सरकार ने लागू करनी था 1995 में लागू करनी चाहिए थी, अगर ये उसको एकदम से 95 वाले कानून को एकदम से 2022 के अंदर लेके आए, इसका भी हम विरोध कर रहे हैं। लेकिन उसके अंदर भी 3 दिन की जारी कर दी, कदे तो करते हैं डेटों को जो है नींद से, कदे कब तक 95 से, कदे वो और बीच का रास्ता काट दे। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, और भी देंगे बहुत जो हमारा है मैनेजमेंट को छोड़ के, बाकी हमारा जो है फैक्ट्री एक्ट के तहत आता है, इसके अंदर फैक्ट्री के नियम लागू होने चाहिए, लेकिन सरकार ना तो फैक्ट्री वाले रूल लागू कर रही है और ना ही ये जो मैनेजमेंट के रूल है वो लागू कर रही है। हम ये चाहते हैं कि सरकार के कर्मचारी, सरकार का डिपार्टमेंट है, सरकारी कर्मचारी हैं, अगर सरकार ने एक अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, कैलेंडर के अंदर 52 दिन की छुट्टियाँ, शनिवार इतवार की 52 होती है, वो छुट्टियाँ हमारे को दे दो, जो हॉलीडे हुए हमारे को दे दो, आप तो इसी 95 से लागू करो, चाहे 2001 तक डेट ऑफ जॉइनिंग से कभी भी लागू करो, हमने इसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन सरकार दोहरी नीति लागू कर रही है, हमारी छुट्टियाँ भी काट रही है और हमारे सिलेंडर का भी बेनिफिट दी गई है, इस करके इस मांगों को लेकर सरकार से हम आपकी मांग की एक ही मांग हजरात मतलब आ गए, वो मेन मांग तो हमारी है, जो लोग पे हमारी छुट्टियाँ काटी, एक तो ये मेन मुद्दा था और एक OPS पुरानी पेंशन बहाल करने का हमारा मुद्दा था, 265 रूट परमिट हमारा करने का मुद्दा था, कच्चे से पक्के करने का हमारा मुद्दा था, इसी तरह से अनेकों मांगे हमारी है, जो 20-30 मांग पत्र है उसके अंदर लिखी हुई है, वो हमने सरकार को पहले ही अवगत करा दिया था, सरकार के पास भेज दी थी हमने कि भाई हमारी मांग है, इन पर बैठ सकते बातचीत कर लो, समाधान जो हो हमारा निकाल दो, अगर जो
सरकार वो हमारे को बुलाती, हमारे सिविल मित्रों को वहाँ बुलाती, बातचीत करते, छोटी मोटी सारी बातें तो जिससे 20 मंत्री है, शायद इतना भी सिलेक्शन है, उसमें 10 पाँच का चार कुछ न कुछ पर मांगे सहमति होती तो आज हड़ताल करने के लोगों तक। आपकी जो आपने हड़ताल भी करा की, फिर भी ये प्राइवेट बस तो तक लाग रही है, कितनी आपकी हड़ताल फसल तो पड़ जाएगा? देखो, ये प्राइवेट बस एक निजी मालिक की गाड़ी है, ये रोडवेज के साथी हैं, ये हमारे सारे के सारे हड़ताल पर बैठे हैं। निजी मालिक है, वो उनका अपना काम है, वो अपनी बस चलाए या खड़ी करे उनका काम है, वो हमारा हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, गाड़ियाँ अपनी मर्जी चलाए। तो ये प्रधान जी हमारे साथ मुद्दे भाई ने बताया भी है, जो मांग इनकी है, मांगों के लिए मेन मांग इनकी जो है, इनकी छुट्टियों के ऊपर मतलब एक के आपने विराव के चलाया है, वो चला दिया, और जिस तरह नाराज भी है, नाराज होती है, कनेक्टर भी, ड्राइवर भी, सारे भाई आने बैठे हैं, और भी कोई इनका बारे में इनकी मतलब कोई अपडेट होगी वो भी हम आप देने का काम करेंगे। जय जवान, जय किसान।